नमस्कार साथियों, शिक्षा विभाग से एक लेटेस्ट अपडेट निकल कर आ रही है। देखते हैं क्या है फुल अपडेट। इसी तरह की शिक्षा विभाग से संबंधित लेटेस्ट अपडेट के लिए देखते रहिए हमारा चैनल। अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियो को लाइक एंड शेयर कीजिए। जनजातीय कार्य विभाग के अंतर्गत संचालित एकलव्य आदर्श आवासीय विद्यालयों में 1700 शिक्षकों को फुटबॉल बना दिया गया है। पहले से यहाँ जो शिक्षक पदस्थ थे, अब उनकी जगह फिर लिखित परीक्षा के माध्यम से दूसरे टीचरों को रखा गया है। राज्य के 40 जिलों में स्पेशल स्कूल रेडिएशन सोसाइटी एमपी सरस भोपाल के अंतर्गत संचालित हो रही है। राज्य के 40 स्कूलों में 63 आवासीय विद्यालय संचालित हैं। साल भर पूर्व राज्य शासन द्वारा इन संस्थाओं में लिखित परीक्षा हुई थी। इसी के माध्यम से इन संस्थाओं में शिक्षकों को पदस्थ किया गया था। पहले से पदस्थ शिक्षकों का कहना है कि वर्तमान में इन संस्थाओं में आदिवासी छात्र समिति भारत सरकार द्वारा परीक्षा लेकर पुनः इन शिक्षकों के पद पर अन्य टीचरों को पदस्थ कर दिया गया। पूर्व के शिक्षकों के अनुसार मौखिक आदेश के प्रशिक्षण के दौरान चुनिंदा शिक्षकों से मनचाहे जगह के विकल्प भी भरवा दिए गए। पहले आदिवासी शिक्षा समिति द्वारा रिक्त पदों की जानकारी चाही गई थी, जो कि एमपी सरकार द्वारा उपलब्ध नहीं कराई गई। एकलव्य विद्यालयों में क्या स्थिति है, अभी उन्हें इस बारे में कोई जानकारी नहीं है, क्योंकि यह शाखा उनके पास नहीं है। अभी भी वह कार्यालय से बाहर हैं। तो जनजातीय कार्य विभाग में यह कार्रवाई हो रही है। वहां पहले से पदस्थ शिक्षकों की जगह दोबारा से परीक्षा ली जा रही है। उन शिक्षकों को उनकी जगह नियुक्त किया जा रहा है। जो पहले से पदस्थ हैं उन्हें हटाया जा रहा है, जबकि उन्हें भी परीक्षा के माध्यम से ही एकलव्य विद्यालय में पोस्टिंग मिली थी। तो इसी तरह की शिक्षा विभाग से संबंधित लेटेस्ट अपडेट के लिए देखते रहिए हमारा चैनल। धन्यवाद दोस्तों।